आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुई गैस त्रासदी का असर अभी भी बरकरार है। जख्म ऐसे हैं जो भरने का नाम ही नहीं लेते। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड इतनी खतरनाक है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस जहरीली गैस का असर झेलने को मजबूर हैं। विश्व की भीषणतम त्रासदी है भोपाल गैस कांड। 34 साल बाद भी इस त्रासदी का दंश भोगने के लिए लोग मजबूर हैं। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जिसमें जहरीली गैस से लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस समय अफरा तफरी मच गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कहां जाएं, आंखें जलने लगी थीं, सांस फूलने लगी थी, सब भाग रहे थे, सब बस भाग रहे थे। तमाम लोग उस काली रात के काल के आगोश में समा रहे थे। जो बचे वे तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। जेपी नगर में रहने वाले संजय यादव ने दखल न्यूज को उस दिन हुए हादसे के बारे में बताया कि उस दिन का मंजर याद करके अभी भी रूह कांप जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं संजय यादव, जो कि गैस पीड़ित से प्रभावित हैं। इनकी जो सेकंड जनरेशन है वो भी अभी गैस पीड़ित से प्रभावित है। ये हम बात करते हैं क्या है इनके, ये आप देख सकते हैं इनके 2 बच्चे हैं। ये जो गैस पीड़ित से हैं ये हैंडीकैप हो चुके हैं। इनका जो गर्भ के दौरान ही इनमें ये बीमारी आ गई थी कि इनको हैंडीकैप होना पड़ा। इनको जन्मजात से भी ऐसी बीमारी है। संजय यादव जी का कहना है कि वो जब गैस त्रासदी हुई थी उस वक्त से उनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं संजय यादव जी से, क्या कहना है इनका बताइए। जी मेरा नाम संजय यादव है, मैं गैस पीड़ित हूँ, मेरे पत्नी भी गैस पीड़ित है। हमने जो गैस का कचरा है, पहले ट्यूबवेल वगैरह का पानी पीते थे, कुओं का हेडपम्पों का पानी पीते थे। उसी दौरान मेरी पत्नी गर्भवती हुई, उसी पानी के दूषित का प्रभाव जो मेरे सामने पड़ा हुआ है। आज मैं जब तक जिंदा हूँ तो इनकी देखरेख कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद इनका कौन होगा। ये तो इतने असहाय हैं कि बाहर जाकर भीख मांगकर भी अपना गुजारा नहीं कर सकते। तो देखने को मिल रहा है कि जो मुआवजा मिला है, मुआवजे की स्थिति देखकर तो नहीं लगता कि इस घर को मुआवजा मिला होगा, क्योंकि ये इस घर की जैसी स्थिति है और जैसे बच्चों की स्थिति है वो देखकर तो नहीं लगता कि इतना मुआवजा मिला होगा कि इस घर का भरण पोषण हो सके। तो सवाल तो उठते हैं सरकार पर भी कि क्या सच में मुआवजा उस हिसाब से दिया गया जैसा दिया जाना चाहिए था, या असली गैस पीड़ित खोजने में सरकार ने कहीं गलती की। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। जहरीली गैस का असर इतना खतरनाक भी हो सकता है कि जहरीला पानी पीने और जहरीली गैस सांसों में जाने के कारण संजय यादव के दोनों बच्चे अपंग पैदा हुए। संजय बताते हैं कि जब वो जिंदा हैं तो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। जैसे तैसे संजय अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। संजय बताते हैं कि पहले 200 और 300 रुपया दिया गया था, बाद में 25,000 दिया गया। संजय का कहना है कि इन पैसों से वे अपने परिवार को कैसे पालेंगे। इधर कुछ एनजीओ और समाज सेवी संस्थान भी सरकार के रवैये से आहत हैं। ये लोग गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आए दिन विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगठन जो कि गैस पीड़ितों के लिए बहुत दिनों से काम कर रहा है। इन्होंने मुआवजा के लिए लड़ाई की, इन्होंने गैस पीड़ितों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या है इनके मांगे और क्या क्या योगदान रहा है इनका। देखिए ये 34वीं गैस कांड की बरसी है। 3 दिसंबर को गैस निकली थी 33 साल पहले, और ये 34वीं बरसी है। लेकिन 34 साल बाद भी आपको हालात वही मिलेंगे जो 3 दिसंबर 84 को थे। आज तक इन 33 सालों में गैस पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका है।
उसका कारण वो राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने करी गैस पीड़ितों के साथ, और उन्होंने केवल वोट लिए और वायदे लुभावने वादे किए। जैसा कि शिवराज सिंह ने कहा था कि यदि मोदी मुआवजा नहीं देगा तो हम देंगे, लेकिन वो कोई मुआवजा आज तक 3 लाख रुपए जो उन्होंने वादा किया था वो 15 सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री है, मुआवजा नहीं दिया। तो गैस पीड़ित जो है उसके साथ त्रासदी एक बार नहीं हुई, 3 दिसंबर को तो उसने जहरीली गैस खाई, उसके बाद उसका फर्जी कैटेगरी उसको दे के 25,000 उसको दे दिए गए कि तुमको गैस लगी थी लेकिन तुम अब ठीक हो चुके हो। उसके बाद जो है वो गैस पीड़ित को आज तक सही मुआवजा नहीं मिल पाया है। 25,000 में से 12,000 उसके राहत भी कट गई, जो पुराने जो अगला देते थे वो पिछला काट लेते थे। तो उसके कारण गैस पीड़ितों को न तो सही मुआवजा मिला, जबकि उसके शरीर के सारे अंग प्रभावित हैं, कैंसर बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, पेट लीवर की तकलीफें हैं, और उसके बाद उसको आंखों की तकलीफें हैं। इन अंगों के स्थायी अंगों के एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जब उसके अंग खराब होते हैं 7 लाख रुपये दिए जाते हैं, मृत्यु पर 10 लाख दिए जाते हैं एक ठेका मजदूर को, लेकिन एक गैस पीड़ित के जो अंग खराब हो गए या उसको तो उसको 25,000 में से काट के 12,000 पकड़ा दिए। और कंपनियों से इन राजनीतिक दलों ने चंदा ले लिया, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अभिषेक मनु सिंघवी और अरुण जेटली को प्रवक्ता बना लिया उन्होंने, प्रवक्ताओं को अपने वकील बना लिया इन डाउ केमिकल ने। 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी विधवाओं को, वो तक बंद कर दी। और जो मृत्यु के जो पंजीकरण थे, तो मृत्यु के पंजीकरण जो हो रहे थे वो बंद कर दिए। केवल 5,000 मृत्यु को गैस कांड से मृतक माना गया और उनको कुछ पैसे दे दिए गए, बाकी अब तक 50,000 मृत्यु हो चुकी और लगातार मृत्यु होती जा रही है गैस पीड़ितों की, उसका उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया आज तक। तो हमारी मांग ये है कि इनको गैस पीड़ितों को 30-30 लाख रुपए दो। लोगों का बोलना है कि 34 साल बीत गए हैं, हमारे दिल का दर्द नहीं गया है, मुआवजे की बात लोग 25,000 मुआवजा देते हैं, 25,000 में बोलते हैं इतने में हो जाएगा। सरकार दावा करती है, सरकार ये नहीं चेंज होती है, नहीं बदलती है, लेकिन लोग वही रहते हैं। एंडरसन चला गया लेकिन लोगों का दर्द नहीं गया अभी तक। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट के टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई। गैस इतनी खतरनाक थी कि गैस के प्रभाव से 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 34 साल बीत गए, आंसू सूख गए, जारी है तो सिर्फ मुआवजे की लड़ाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।